ये बनाना की जैसा जो फ्रूट हमारा हाथ में दिख रहा है ये है थाई बनाना मैंगो। ये एक बहुत ही एक पॉपुलर मैंगो का वैरायटी है जिसका नाम है थाई बनाना मैंगो। और इसका मैच्योर फ्रूट हम इस वीडियो में कटिंग करेंगे और ऐसा टेस्ट है ये आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, तो वीडियो का एंड तक देखिए। जो मैंगो है ये थाईलैंड का बहुत ही पॉपुलर एक वैरायटी है और अभी कोई भी बंदा अगर थाईलैंड में विजिट किया है तो उसको पता चलेगा हर मार्केट में, थाईलैंड का हर मार्केट में, फ्रूट मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला मैंगो यही है, क्योंकि इसका जो पैदावार है बहुत ज़्यादा पैदावार है। अभी देख सकते हैं हमारा ये 1.5 साल का प्लांट है कितना ज़्यादा फ्रूटिंग अभी इसमें लगा हुआ है। कम से कम यही प्लांट में मेरे हिसाब से अभी 8 से 10 किलो के आसपास फ्रूटिंग मौजूद है। बहुत ही ज़्यादा बियरिंग आने की वजह से इसका फ्रूट का साइज़ थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन इसका और भी लंबाई होता है और इसका वेट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। बोलता है जो ये सीडलेस मैंगो भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो मेन सीड जो है, इसका गुठली जो होता है बहुत ही पतला होता है, इसका फाइबर बिल्कुल भी नहीं रहता, और अगर छिलका की बात करें तो वो भी बहुत ही पतला होता है। तो इसका कम से कम 85% इसको यूज़ कर सकते हैं और 15% इसका नॉन यूजेज होता है। इंडिया का बहुत जगह हर क्लाइमेट में इसका सूटेबल हो रहा है। जैसे कि जहाँ देसी वाला मैंगो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहा है तो वहाँ ये मैंगो भी आप कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है। अभी जैसे कि उड़ीसा साइड बोलिए या महाराष्ट्र का साइड बोलिए या दूसरा साइड में बहुत ही अच्छे से इसका फार्मिंग हो रहा है और इसका बहुत ज़्यादा इसका हर साल बियरिंग आने वाला एक वैरायटी है, ड्रॉप वैरायटी है, छोटा प्लांट में ही फ्रूटिंग आ जाता है और इसका हर साल आपको फ्रूटिंग मिलेगा। जैसे कि दूसरा वैरायटी में एक साल ड्रॉप हो जाता है, दूसरे साल बहुत अच्छा आ जाता है, दूसरे साल में ड्रॉप हो जाता है, लेकिन ये हर साल बियरिंग आने वाला एक वैरायटी है। बनाना मैंगो का इसका अभी जितना हमारा जानकारी मिला है, जैसे कि इसका जो पहले जो फ्रूटिंग आता है उसका ग्रीननेस रहता है, सूरज का किरण जितना पड़ता है उसी हिसाब से इसका कलर अलग अलग चेंजेस होता रहता है। जैसे कि हम हमारे हाथ में देख सकते हैं इस साइड में पूरा रेड पोर्शन का है। अभी पूरा अच्छे से गौर करेंगे तो इस साइड में आपको देखने को मिलेगा थोड़ा रेडिश कलर में, खाली आँखों से मेरे को जो दिख रहा है, शायद कैमरा में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इस साइड में पूरा थोड़ा रेडिश है लेकिन दूसरा साइड में थोड़ा पीला कलर है। ठीक है, तो इस साइड में ज़्यादा धूप पड़ा था और इस साइड में थोड़ा धूप कम लगा था, इसीलिए इसका कलर का थोड़ा चेंजेस है। लेकिन आप लोगों को अगर जिस जगह में आप लगा रहे हैं उसी जगह अगर अच्छे से पूरा सूरज का किरण पड़ता है तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इधर देख सकते हैं, इधर हमारा साथ में और एक मैंगो जो फुल मैच्योर वाला फ्रूट है, इधर भी इसका भी जो कलर देखेंगे और इसका कलर देखेंगे तो इस साइड में थोड़ा रेडिश कलर है और ये पूरा येलो कलर है, लेकिन दोनों ही पक गया है, फुल मैच्योर हो गया है। तो इसका और एक जो ख़ास बात है, हार्वेस्टिंग करने के बाद कम से कम मार्केट में आराम से 10 से 12 दिन रह सकते हैं। और इसका अगर कोई भाई अगर टेरेस में लगाना चाहते हैं या गमले में लगाना चाहते हैं या इसका फार्मिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसका फार्मिंग कर सकते हैं। कुछ बताने के बाद अभी मेन पॉइंट पर आते हैं, इसका फ्रूट का कटिंग करते हैं। चलिए कटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा। तो इसका जो सीड है, सुना तो है, बहुत ही पतला होता है और इसका छिलका भी बहुत पतला होता है। तो अभी कटिंग करके देखते हैं लाइव। तो इसका पूरा एकदम इसका जो ये है वहाँ से ही कटिंग करके देखते हैं। कटने के साथ साथ मेरे को बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर, बहुत ही एक अच्छा अलग इसका जो खुशबू मिल रहा है। ठीक है, ये कटने के साथ साथ ऐसा पता चल रहा है जो इसका बिल्कुल भी फाइबर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। वाओ, क्या कंडीशन में है देख सकते हैं। बहुत ही अलग, बहुत ही एक खुशबू आ रहा है इसका। क्या बताऊँ आप लोगों को, पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा टाइप से कुछ कट करते हैं, इसे कुछ अलग टाइप से कटिंग करने की कोशिश करते हैं। इसका जो छिलका है बहुत ही पतला होता है, पतला है अभी जैसे मेरे को पता चल रहा है, बहुत ही पतला है। और इसका TSS लेवल की बात करें तो सुना तो है बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम 24-25% के आसपास जाता है इसका TSS लेवल। तो आप लोगों को खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अभी इधर का पार्ट देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब है। तो इसका एक पार्ट थोड़ा टेस्ट करके भी देखते हैं।
सच में मेरे को जो सुना है मैंने इसका बारे में बहुत सुना है, और आज खाने के बाद पता चल रहा है जो सच बात कहा है उन्होंने, बहुत बहुत ही अच्छा मीठा है इसका। मतलब क्या बताऊँ, मतलब एक खा रहा हूँ तो दूसरा खाने का मन कर रहा है। बहुत बहुत ही मीठा है। आप लोगों को अगर खुद नहीं खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और इसका फाइबर तो बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब जो बोला पूरा एकदम बिल्कुल फाइबर इसका ज़ीरो है। तो इसका दोनों साइड मतलब काटने के बाद मेरे को जो दिख रहा है इधर, इसका सीड का मात्रा देख सकते हैं, थोड़ा जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा मतलब कितना ज़्यादा पतला है। मतलब सीडलेस जो बोलता था कोई बंदा तो वो सच बताते थे, क्योंकि इसका जो सीड का पोर्शन है बिल्कुल मतलब बहुत बहुत ही पतला है। तो जितना भी इसका बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन था हम लोग देने की कोशिश किया। हमारा दूसरा एक वीडियो बनाएंगे इसका ट्रीटमेंट के ऊपर। तो आज का वीडियो यहीं तक है। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग कोई बंदा इस वीडियो में नया है तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।